नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पंकज और स्वागत करता हूं मैं आपका केवी ईशान की इस हेल्दी एंड वेल्दी फैमिली में। और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं केवी ईशान के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट असाई बेरी जूस की। सो स्टे ट्यून्ड। तो केवी ईशान के जूस को बनाने में ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ग्रीन बेरी, रेस्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, पोमोग्रेनेट जैसे 21 तरह के न्यूट्रिशियस फ्रूट का यूज किया गया है, जिसमें असाई बेरी फ्रूट इसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो सबसे पहले असाई बेरी फ्रूट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो असाई बेरी फ्रूट एक सुपर फ्रूट है जो कि सेंट्रल और साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट में पाया जाता है, जहाँ के ट्राइबल पीपल यानी आदिवासी लोग असाई बेरी को बहुत ही लंबे टाइम से एज अ डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में यूज करते आ रहे हैं। असाई बेरी फ्रूट सबसे अच्छे इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स में से एक है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में हमारी हेल्प करता है। असाई बेरी पर की गई 60 से ज़्यादा स्टडीज इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स के कमाल के बेनिफिट्स के बारे में हमें बताती है, इसलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस भी कहा जाता है। प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स के मुताबिक असाई बेरी कमाल की एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी रखती है, जिससे कैंसर होने का खतरा भी कम होता है। असाई बेरी में हाई लेवल के वाइटल फैटी एसिड जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, अनसैचुरेटेड ऑलिक एसिड और फाइबर होता है, जो कि हमारी बॉडी में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ यानी हृदय का स्वास्थ्य बना रहता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक असाई बेरी का सेवन यंग और मिडल एज महिलाओं में हार्ट अटैक के रिस्क को 32% तक कम कर देता है। और यूएस डिपार्टमेंट की एक वेबसाइट NCCIH के अकॉर्डिंग असाई बेरी हमारे शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करती है। बहुत सी स्टडीज के अकॉर्डिंग असाई बेरी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट ब्रेन यानी दिमाग के सेल्स में होने वाले ऑक्सीडेशन और इन्फ्लामेटरी डैमेज को रोकते हैं, जिससे अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी लाइलाज बीमारियों को क्योर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नासा, जो कि एक यूएस बेस्ड संस्था है और स्पेस रिलेटेड रिसर्च करती है, वो अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाई जाने वाली स्पेस ड्रिंक में असाई बेरी को एज अ मेन एक्टिव इन्ग्रीडियंट यूज करती है, जो कि एस्ट्रोनॉट्स में स्किन कैंसर के रिस्क को कम करता है। और अगर हम एथलीट्स की बात करें तो 2015 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग असाई बेरी का सेवन एथलीट्स के शरीर में प्लाज्मा एंटीऑक्सीडेंट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है, जिससे एक्सरसाइज के बाद शरीर की मसल यानी मांसपेशियों की रिकवरी जल्दी होती है। तो हमने इतनी बातें असाई बेरी पर कर ली हैं, बातें इस फ्रूट में डाले गए कुछ और न्यूट्रिशियस फ्रूट के बारे में भी कर लेते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं यम बेरी से। सो यम बेरी शरीर में इंफ्लामेशन को कम करती है और ब्लड प्रेशर और वात संबंधी रोग जैसे कि आर्थराइटिस यानी गठिया बाई जैसी बीमारियों में काफी ज्यादा असरदार है। और अब बात करते हैं प्रिकली पियर फ्रूट की। तो प्रिकली पियर फ्रूट में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो कि हमारी मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं और साथ ही कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद को क्योर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बेसिकली ये आपकी आंखों तक प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड को पहुंचाता है, जिससे आपकी आई की हेल्थ बनी रहती है। और अब बात करते हैं क्रेनबेरी फ्रूट की। सो क्रेनबेरी फ्रूट आपके बालों की हेल्थ बनाए रखता है। क्रेनबेरी फ्रूट विटामिन ई का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है, जिससे आपके बालों की शाइन और स्ट्रेंथ बनी रहती है। इसके अलावा केवी ईशान के इस जूस में सिट्रिक एसिड भी काफ़ी अच्छी मात्रा में डाला गया है, जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी श्वसन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बुखार, दांतों में दर्द जैसी प्रॉब्लम्स को क्योर करने में हेल्प मिलती है। इसके साथ ही ये वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। अब हमने ये बोल तो दिया कि केवी ईशान के इस जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है, बट कितना ज़्यादा ये हमें कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हम इसकी ऑरेक वैल्यू को चेक करते हैं। और ये ऑरेक वैल्यू क्या होती है, तो सबसे पहले इस ऑरेक वैल्यू को ही समझ लेते हैं।
सो ओरेक वैल्यू या ओरेक स्कोर की फुल फॉर्म होती है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, जो कि हमें बेसिकली बताती है कि किसी भी चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट लेवल कितना है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग हमारे शरीर को 3000 से लेकर 5000 ओरेक वैल्यू एंटीऑक्सीडेंट की डेली रिक्वायरमेंट होती है, और 5000 यूनिट के ओरेक वैल्यू का मतलब होता है 3.5 किलो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है। और इसी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट की शरीर में कमी होने से हमारे शरीर में एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है और हम समय से पहले ही बूढ़े होने लगते हैं। और वैसे भी यूरिया और हार्मफुल कीटनाशक हमारे फूड स्ट्रक्चर में घुस गए हैं, जिससे हमारे खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू और भी ज़्यादा गिर गई है। तो अगर आपको आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की डेली रिक्वायरमेंट को बीट करना है, तो केवी शान का ये असाई बेरी जूस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसके 15 ml जूस की ओरेक वैल्यू है 5000 यूनिट। मतलब इस जूस के 15 ml डोसेज 3.5 किलो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बराबर है, जो कि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। केवी ईशान के इस जूस में किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर, स्वीटनर या शुगर, मिल्क, ईस्ट, लैक्टोज, ग्लूटन और वीट का यूज नहीं किया गया है, और ये सोडियम फ्री भी है, जिससे ये डायबिटिक पेशेंट्स भी बिना किसी दिक्कत के ले सकते हैं और इसका भरपूर बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि केवी ईशान का ये प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड, आयुष सर्टिफाइड, WHO GMP सर्टिफाइड, कॉशर सर्टिफाइड और हलाल सर्टिफाइड है, जो कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर करता है। और अब बात करते हैं इस जूस को लेना कैसे है। तो बस 15 ml जूस को बॉटल के साथ दिए गए मेजरिंग कप से नाप कर 150 ml पानी में मिला लें और धीरे धीरे सिप बाय सिप इस जूस को एंजॉय कीजिए। इस जूस को खाली पेट या खाना खाने से 1.5 घंटा पहले लेना है, और जूस को लेने से पहले एक बार बॉटल को अच्छी तरह हिला लें। आशा करता हूँ आपको मेरा ये रिव्यू ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।